रोटेशन, और इसमें इक्विलिब्रियम एंड टॉपलिंग। इसके लिए अलग से एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा इसी चैनल पर, अगर आपको दिक्कत हो तो, कंफर्टेबल हो तो आप आगे इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसका ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके नीचे 8 क्वेश्चन की एक शीट है, उस शीट को सॉल्व कर लीजिएगा, उसके आंसर भी पीछे ही दिए गए हैं। तो कंफर्टेबल अगर हो तो सीधे शीट सॉल्व करिएगा, अदरवाइज ये वीडियो देख लीजिएगा। चलो, तो अगला पार्ट, अब हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। तो इसमें पहले हम डिस्कशन करेंगे प्योर रोटेशन का। अगर प्योर रोटेशन हो रहा है अबाउट हिंज या कोई भी ऐसा पॉइंट हो सकता है जो आपका सेंटर फिक्स्ड है, मतलब ICR इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है एंड गिवन, और हमें पता है कि कहां पे। और दूसरा, ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगा। हाँ, इसमें भी हम इसको दो में कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो अल्फा नॉन जीरो है, या पहले अल्फा जीरो ओमेगा नॉन जीरो, अल्फा नॉन जीरो ओमेगा जीरो, अल्फा नॉन जीरो ओमेगा नॉन जीरो। पहला केस क्या है कि एंगुलर एक्सीलरेशन तो है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। और अगर एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी नॉन जीरो है, इसका मतलब कि ओमेगा कॉन्स्टेंट रहा होगा। इसका मतलब इस दौरान एक ही फोर्स है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और ये बेहतर है मैं लिखूं आर सेंटर ऑफ मास। तो ये पहला केस। और ऐसा कब बनेगा, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देखिए कैसा होगा, कि अगर मैंने किसी बॉडी को, जैसे ये ट्रायंगल होता, ट्रायंगल को इसके अबाउट मैंने हिंज कर दिया, मान लेते हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो एक्सटर्नल टॉर्क कुछ भी नहीं है। अब अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसका सेंटर, अगर ये डिस्टेंस एल होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेंटर ऑफ मास 2L/3 पे होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहा है, तो इस पर एक ही फोर्स की जरूरत है, एम ओमेगा स्क्वायर 2L/3। तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स एक अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, और सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर मैंने इसी को सेंटर ऑफ मास पे ही हिंज कर दिया होता तो इस पे नेट फोर्स जीरो होता, ठीक है। तो प्योर रोटेशन की डायनेमिक्स की बात करें तो प्योर रोटेशन में जो डायनेमिक्स है, अगर सेंटर ऑफ मास पे हिंज है तो नेट फोर्स जीरो है, कहीं और हिंज है तो सेंट्रिपिटल आएगा, और एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर ऑफ मास, पहला केस। चलो, दूसरा, तो इसमें ओमेगा कांस्टेंट था और एफ नेट आ गया एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर ऑफ मास। दूसरे में अल्फा नॉन जीरो है, एक्सीलरेशन तो है, वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब ये वो केस है जहां रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट और टॉर्क आ गया है। एग्जांपल इस तरह का, कि अगर ये रॉड ऐसी होती और यहां ये थ्रेड से बंधी होती, अगर मैंने थ्रेड को काट दिया, थ्रेड को काट दिया, तो उस इंस्टेंट पे इसके पास अल्फा तो आएगा लेकिन ओमेगा नहीं आएगा। तो जस्ट आफ्टर द रिलीज अल्फा तो आएगा, ओमेगा नहीं आएगा। इसका मतलब दो तरह के सेंटर ऑफ मास में एक्सीलरेशन हो सकते थे, ओमेगा स्क्वायर आर और अल्फा आर, जिसमें ओमेगा स्क्वायर आर नहीं है इस समय, तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक ही है। और तीसरा केस, अगर इसके पास ओमेगा भी है अल्फा भी है, और ये केस ऐसे समझिए, मान लीजिए रॉड यहां होती और हमने इसको रिलीज कर दिया, और जब ये रॉड यहां कहीं पहुंची होती तो इसके पास ओमेगा भी होता और इस समय अल्फा भी होता, तो इस पॉइंट के पास सेंटर ऑफ मास के पास दो एक्सीलरेशन होंगे, अल्फा आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो
ये केस हमारा एक्चुअली इन दोनों का सुपरसेट है, ये हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले हम प्योर रोटेशन का केस डिस्कस कर लेते हैं। तो प्योर रोटेशन में हम देखते हैं हमें किस किस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमें सेंटर फिक्स है, तो एवरी पॉइंट हैज वन वेलोसिटी, हर पॉइंट के पास एक वेलोसिटी है। जैसे इस पॉइंट के पास वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट के पास वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट के पास इधर, इस पॉइंट के पास इधर, जो जितने दूर वो उतना तेज है, और वो वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर, और हमें दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर अंदर की तरफ, आर वेक्टर रेडियल है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम सीधे स्पीड ओमेगा आर लिख सकते हैं, और टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो हर पार्टिकल के पास एक स्पीड है, एक वेलोसिटी है, एवरी पॉइंट हैज टू एक्सीलरेशंस, स्पीड एक है लेकिन एक्सीलरेशन दो है, क्योंकि अब अगर मैं इसी को ऐसे, इसके पास ओमेगा भी है और इसके पास अल्फा भी है, तो अब मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, तो इसके पास एक अल्फा आर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रिपिटल, और खास बात हर पॉइंट के लिए ओमेगा और अल्फा सेम होगा। ये रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है कि बॉडी रोटेट करेगी तो पूरी रोटेट करेगी, तो हर पॉइंट के पास ओमेगा और अल्फा सेम है, रेडियस अलग अलग है। तो जैसे मैं इस पॉइंट के लिए बात करूं तो इसका टेंजेंशियल इधर है, सेंट्रिपिटल इधर है, इस पॉइंट के पास टेंजेंशियल इधर है, सेंट्रिपिटल इधर है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशंस में हमें यह बात करनी है, और यहां से काइनेटिक एनर्जी सीधे हम लिख सकते थे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वजह हाफ एम आई ओमेगा आर आई स्क्वायर का सिग्मा, हाफ कॉमन लो, एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी में सिंगल टर्म आया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और आई किसके अबाउट, पॉइंट ऑफ रोटेशन के। लेकिन जब हम डायनेमिक्स की इक्वेशन लिखेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें दो डायरेक्शन में रिजोल्व करना पड़ेगा, और ये देखिए हर पॉइंट के पास अलग अलग एक्सीलरेशन है, लेकिन इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ किसके लिए लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास के लिए। तो हम ये कहीं पे भी हिंज होगा ढूंढेंगे सेंटर ऑफ मास किधर है अपना, ये है। तो सेंटर ऑफ मास के पास एक अल्फा आर सेंटर ऑफ मास, एक ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर ऑफ मास। अब हम सभी फोर्स को इस डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे और इस डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे, तो ये एफ नेट टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे रहा होगा, सेंटर ऑफ मास की स्पीड बदलेगा, और एफ नेट वन सेंटर ऑफ मास को सेंट्रिपिटल देगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ये एक्सटर्नल है, ये सभी एक्सटर्नल है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे जो असर डालेंगे वो एक्सटर्नल डालेंगे। अब इसमें हिंज, ग्रेविटी, जो जो है सब कुछ शामिल है, ठीक। तीसरा, एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन। लेकिन एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो, अब जैसे मान लीजिए एक बॉडी घूम रही है और ओमेगा से, और हमने कहा बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, अपने आप में इनकम्प्लीट क्वेश्चन, मुझे ये बताना पड़ेगा किसके अबाउट। काइनेटिक एनर्जी किसके अबाउट नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी किस फ्रेम में होती है, कुछ नहीं दिया तो ग्राउंड फ्रेम में मान लेंगे, लेकिन एंगुलर मोमेंटम ग्राउंड फ्रेम में भी सबका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग पॉइंट के अबाउट, इसीलिए मुझे बताना पड़ेगा। और ये हिंज के लिए हम लिखते हैं आई ओमेगा, ठीक है। और ये सिंपली क्या है, एम वी आर लिखा है, आर क्रॉस एम वी होता तो एम वी आर लिख सकते हैं, वी की वैल्यू ओमेगा आर है, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा है, और यही हमारा आई ओमेगा बन गया है, ठीक है। पूरा डिस्कशन हमारा टू डायमेंशनल रिजिड बॉडी के लिए, ठीक है, टू डायमेंशनल रिजिड बॉडी के लिए। तो प्योर रोटेशन में हमने देखा एक वेलोसिटी है, दो एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट, हिंज के अबाउट ये निकलेगा, किसी और पॉइंट के अबाउट कुछ देर बाद निकालेंगे।
काइनेटिक एनर्जी, ये ग्राउंड फ्रेम की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब बस अगर आपको ये मोशन चाहिए तो आपको इसको स्टडी करना है, तो आपको सिंपली इसमें क्या क्या चाहिए, कुछ लॉज चाहिए जिनसे आप स्टडी कर सकते हैं, तो कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरा न्यूटन्स लॉ, और न्यूटन्स लॉज कौन से बनेंगे, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास, आई कैप में अलग, जे कैप में अलग, और एक और बनेगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये आई अबाउट हिंज, टॉर्क अबाउट हिंज। तो इससे हम डायनेमिक्स की क्वेश्चन निकाल लेंगे, इससे वर्क एनर्जी थ्योरम, ओमेगा के कैलकुलेशन इससे होंगे, और ये कैलकुलेशन ए और अल्फा के कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम तीसरा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एक्चुअली चार लॉ है मैकेनिक्स में जो यूज होते हैं, ये हम अलग से एक साथ पढ़ेंगे, फिलहाल हम इन दो पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल वन, इस पे अगर मैंने कोई फोर्स लगाया, ये हिंज है, ये फोर्स लगाया mg, ये डिस्क है, मास m, रेडियस r, अब पूछा होता इनिशियली ओमेगा जीरो, अब इसमें पूछा होता फाइंड अल्फा एंड ओमेगा व्हेन पॉइंट p मूव्स बाय r, और रिएक्शन फ्रॉम हिंज। चलो देखते अल्फा और ओमेगा, ओमेगा के कैलकुलेशन जनरली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से होंगे, तो दरअसल हमने वर्क किया होगा और वही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, तो ये हमारा पॉइंट आर खिसक गया, और इसके पास प्योर रोटेशनल एनर्जी है, तो ओमेगा के कैलकुलेशन वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय फोर्स, और तो कोई फोर्स वर्क कर नहीं रहा है, ग्रेविटी वर्क कर नहीं रही है, रिएक्शन मूव कर नहीं रही है, इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू 4g बाय आर अंडर रूट। ये तो निकल आया हमारा ओमेगा, मतलब काइनेमेटिक सॉल्व हो गई अपनी। अब हमें चाहिए कि रिएक्शन फ्रॉम हिंज, मतलब हमें न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचना पड़ेगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, ये सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ रोटेशन है, इसका मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में, ये रेस्ट पे, और अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, ना इसके पास टेंजेंशियल है ना इसके पास सेंट्रिपिटल है, टेंजेंशियल भी जीरो, सेंट्रिपिटल भी जीरो, इसका मतलब दरअसल ये इक्विलिब्रियम में है सेंटर ऑफ मास, और इक्विलिब्रियम में है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस पे हमने टी लगाया जो कि एमजी के बराबर है, इस पे हमने आरवाई लगाया, इस हिंज पे हमने एक आरएक्स लगाया, एक हमने लगाया एमजी, लेकिन सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन किसी भी डायरेक्शन में नहीं, तो आरवाई एमजी के बराबर है, आरएक्स टी के बराबर है जो कि एमजी के बराबर, ये रिएक्शंस बाय हिंज आ जाएगा, ठीक है। अल्फा भी पूछा है, और अल्फा कितना आएगा, फर्स्ट में अल्फा भी पूछा है, अल्फा के लिए हम इसके अबाउट टॉर्क ले लें, तो टेंशन इनटू आर बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, टेंशन की वैल्यू एमजी थी 2g बाय आर, आगे कैलकुलेशन में अल्फा की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि ये एक्सीलरेट ही नहीं कर रहा था, लेकिन अगर हिंज सेंटर मास के अलावा कहीं और होती तो हमें लेना पड़ता। तो अगले एग्जांपल में देखिए, तो पहला एग्जांपल ये था, हमने हिंज सेंटर मास पे ही कर दी, तो फोर्सेस कट गए,
लेकिन ओमेगा तो फिर भी आ रहा है, अल्फा फिर भी आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, जब हम हिंज सेंटर ऑफ मास पर नहीं करते, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन में ऐसे ले लेता हूं, अब देखिए यहां मैंने थ्रेड यहां बांध रखा, ये ऐसा। अब इसमें पूछा होता पहला टेंशन इन थ्रेड, दूसरा अल्फा ए सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट, रिएक्शन फ्रॉम हिंज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में टेंशन इन थ्रेड, तो ये तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास का यहां है, ये मैं मान रहा हूं हाफ डिस्क है, मास एम रेडियस आर, ये टेंशन टी है, ये रिएक्शन है, तो इस पे ये आर वाई आएगी, दिख रहा है ये आर एक्स आएगी, और सेंटर ऑफ मास इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो टी ही आर एक्स है, आर वाई ही एम जी है, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लें सो दैट इन दोनों का ना लेना पड़े, तो एम जी इंटू फोर आर बाय थ्री पाई, तो एम जी इंटू फोर आर बाय थ्री पाई इज इक्वल टू टी इंटू टू आर, तो टेंशन टी की वैल्यू टू बाय थ्री पाई एम जी, और टेंशन टी ही रिएक्शन है, और आर वाई की वैल्यू एम जी, ये पहला पार्ट आ गया, तो टेंशन टी की वैल्यू टू बाय थ्री पाई एम जी। अब सेकेंड क्वेश्चन में अगर हमने ये थ्रेड काट दिया, थ्रेड काट दिया तो ये दिख रहा है कि इसके टॉर्क को रोकने वाला कोई नहीं बचा, मतलब एक्सीलरेट कर जाएगा, तो इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे इसके पास आ गया अल्फा, लेकिन ओमेगा अब भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो जब वर्क डन होगा ये मूव करेगा तब जाके ओमेगा आएगा, तो ओमेगा तो अभी भी नहीं है, अल्फा अकेला आया। अब अल्फा आया तो हमें इसके साथ ये ढूंढना पड़ेगा कि आखिरकार सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करना, तो सेंटर ऑफ मास यहां लोकेटेड, और सेंटर ऑफ मास के पास इस तरफ अल्फा स्मॉल आर, क्यों ना मैं ये आर मान लू, ये थीटा मान लू, ये बाद में हम छापते रहेंगे कि आर स्मॉल आर का कॉस थीटा कैपिटल आर है, साइन थीटा फोर आर बाय थ्री पाई है। एक और आता है इसके पास ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन अभी ओमेगा है नहीं इसीलिए हमने उसको बनाया नहीं, तो इसके पास अल्फा आर इधर आएगा। अब अल्फा आएगा तो मुझे इसके अबाउट टॉर्क चाहिए, इसके अबाउट टॉर्क देना सिर्फ एम जी के बस का है, ये अल्फा, तो टॉर्क की इक्वेशन लिखें इसके अबाउट, टॉर्क इक्वल टू आई हिंज अल्फा प्योर रोटेशन, एम जी इंटू फोर आर बाय थ्री पाई, मोमेंट ऑफ एनर्शिया इस हिंज के अबाउट, और इस हिंज के अबाउट तो पहले हमें इसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट इसका हाफ एम आर स्क्वायर है, वही जो पूरी डिस्क का होता, इसमें और जुड़ गया एम आर स्क्वायर, तो थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, क्या इसके अबाउट, इसके अबाउट पूरी डिस्क इमेजिन करें तो हाफ एम आर स्क्वायर आता, इसमें आर और जुड़ गया तो एम आर स्क्वायर और जुड़ गया, तो थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर अल्फा, एक मिनट, आधी डिस्क का सॉरी बिल्कुल सही, हाँ आधी, सॉरी आधी डिस्क थी, हाँ आई आई लिखा रहे दो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन हम अलग से कर लेते हैं, ये मिटा देता हूं क्वेश्चन, जगह कम है, तो इसके कैलकुलेशन अलग से कर लेते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो इसके अबाउट हमें पक्का पता है कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर, हाँ लेकिन ये गलती ना करें
कि ये r है तो इसके अबाउट 3/2 mr² क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास नहीं है. तो पहले इससे सेंटर ऑफ मास का निकालना पड़ेगा, फिर सेंटर ऑफ मास से इसका करना पड़ेगा, लेकिन आंसर सही आएगा. आंसर गलत नहीं लिखा था, दिखाता हूं. क्योंकि या तो हम क्या करते, पहले इससे ये निकालते, इससे ये निकालते तो इसका कितना बनता, हाफ एम आर स्क्वायर माइनस एम 4r/3π का होल स्क्वायर, ये आई सेंटर ऑफ मास आता. इसमें ये जोड़ते और इसमें ये जोड़ते तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होता, तो वो कैंसल आउट हो जाता. तो ये बनता हाफ एम आर स्क्वायर माइनस एम इंटू 4r/3π का होल स्क्वायर प्लस दिस तिरछी लेंथ, ये एम आर स्क्वायर प्लस 4r/3π का होल स्क्वायर. तो ये वाला टर्म कट जाता, 3/2 mr² होता. लेकिन फिर भी इसके इसके बीच में डायरेक्ट कह देना ये अब भी गलत है. अब ये आंसर आ क्यों गया वो भी मैं बता देता हूं. आ इसलिए गया कि इसका इसके अबाउट नहीं पता, लेट इट बी आई, ये मास एम है. लेकिन अगर मैं इसको कंप्लीट कर देता तो इसका भी आई है और दोनों का आई है, तो इसके अबाउट ये 2i और पूरी डिस्क का, अब तो हम इसके इसके बीच में लगा सकते हैं, तो 3/2 2mr², ठीक. चलो हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा अब भी 3/2 mr² है. तो अल्फा चाहिए, तो अल्फा आया mg इंटू 4r/3π इज इक्वल टू 3/2 mr² अल्फा. कुछ कटा एम एम, तो अल्फा की वैल्यू 8g/9πr, ये अल्फा है, ठीक. तो अल्फा हम निकाल चुके हैं, ए सेंटर ऑफ मास चाहिए और ए सेंटर ऑफ मास अल्फा इंटू स्मॉल r है और अल्फा इंटू स्मॉल r 8g/9πr इंटू स्मॉल r स्क्वायर प्लस 4r/3π का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है, ठीक है. अब हमें चाहिए रिएक्शंस. अब रिएक्शंस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए और फ्री बॉडी डायग्राम इसका, तो हमें एक रिएक्शन आर वाई ऊपर होगी, एक रिएक्शन आर एक्स इधर होगी, एक एम जी है, तीन फोर्सेस हैं और सेंटर ऑफ मास के पास दो एक्सीलरेशन है. एक सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन इधर है, एक सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन इधर है. तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम एक्सीलरेशन भी बनाते हैं. अब ये थीटा है तो ये थीटा है तो ये थीटा है, तो अल्फा आर का कॉस थीटा इधर है, अल्फा आर का साइन थीटा इधर है. और बड़ी अच्छी बात है, आर कॉस थीटा ही कैपिटल आर था, अल्फा आर, और अल्फा की वैल्यू छाप दो तो अल्फा आर 8g/9π, अल्फा आर का साइन थीटा, तो ये बना अल्फा इंटू आर साइन थीटा, मतलब अल्फा इंटू 4r/3π. अल्फा कितना है 8g/9πr इंटू 4r/3π, 32/27, ये बना. तो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन दोनों डायरेक्शन में हमें पता है, सेंटर बिटल तो था नहीं, अल्फा आर को रिजोल्व कर लिया. तो अब आर एक्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास के लिए एम इंटू 8g/9π. वाई डायरेक्शन में एम जी माइनस आर वाई m इंटू 32g/27π², ठीक है. ये हमारे rx और ry दोनों मिल गए. तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था. पहले हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व किया. अब हमें पता चला अगर इसको काट देते तो ये नहीं रहता तो ये घूम जाता, और अगर ये घूम जाता तो ये रोटेट जब करता तो इसके पास एक अल्फा आ जाता, लेकिन इस समय पे ओमेगा नहीं आया, इसीलिए. लेकिन सेंटर ऑफ मास लोकेटेड ये था, सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये थी.
हमने इसको रिजोल्व किया, दो एक्सिलरेशन मिल गए एक्स में और वाई में, सभी बनाए आर वाई आर एक्स एम जी और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हमने अलग से लिख के अल्फा निकाल दिया। तो ये पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम इसमें एक और, एग्जाम्पल थ्री। एक रॉड है ऐसे थी, रॉड इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड राइट वेज, ठीक है, इफ इट डजंट स्लिप मतलब म्यू इज इनफ, फाइंड अल्फा ओमेगा ए सेंटर ऑफ मास फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन एट थीटा एंड मिनिमम म्यू नीडेड ठीक है। अब रॉड को अगर हम स्लिप करते ऐसे गिराते दाएं तरफ हमने गिराया तो ये पॉइंट हमारा हिंज की तरह बिहेव करेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ये स्लिप नहीं कर रहा है तो ये हिल ही नहीं रहा है तो इसको हिंज मान लो। अब हिंज मानते तो इस पे इसकी टेंडेंसी पीछे जाने की होती, अगर स्मूथ होता तो ये रॉड ऐसे गिर जाती और सेंटर मास वर्टिकली गिरता, तो इस पॉइंट की पीछे जाने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन इधर नॉर्मल रिएक्शन इधर एम जी यहां पर ठीक है। व्हेन इट रोटेट्स बाय थीटा तो थीटा वर्टिकल के साथ। अब इस इंस्टेंट पे इसके पास समझिए अल्फा भी होगा ओमेगा भी होगा, अल्फा इसीलिए कि एमजी का टॉर्क है, ओमेगा इसीलिए कि एमजी इस दौरान वर्क कर चुका है, नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा नहीं, फ्रिक्शन स्टैटिक है वर्क नहीं करेगा, तो पहले ओमेगा निकाले तो यूजिंग वर्क एनर्जी करो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी एम जी। सेंटर ऑफ मास पहले कहां था L बाय टू, अब सेंटर ऑफ मास कहां है L बाय टू कॉस थीटा, L बाय टू वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्शिया वन बाय थ्री एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये आया 3g बाय 4 वन माइनस कॉस थीटा बाय एल अंडर टू 3g 4 नहीं आएगा यार, ये ओमेगा निकल आया तो इसका इस इंस्टेंट पे ओमेगा आ चुका है। अब हमें अल्फा चाहिए, अल्फा वंस अगेन प्योर रोटेशन है तो इस पॉइंट के अबाउट इक्वेशन लिख दें तो mg इनटू ये वाली लेंथ l बाय टू का साइन थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा वन बाय थ्री एम एल स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3g साइन थीटा बाय 2l। अब हमारे पास अल्फा भी है हमारे पास ओमेगा भी है दोनों है, इसका मतलब सेंटर मास के पास दोनों एक्सीलरेशन है सेंट्रिपिटल वाला भी और टेंजेंशियल वाला भी, तो दोनों को हमें काउंट करना पड़ेगा क्योंकि ये निकल चुका है ई सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन तो सेंटर मास जब इधर था इसके पास अल्फा एल बाय टू इधर है ओमेगा स्क्वायर एल बाय टू इधर है और नेट रिजल्टेंट तो अल्फा एल बाय टू अल्फा में एल बाय टू थ्री जी बाय फोर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर में एल बाय टू तो ये है 3g बाय टू वन माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो नेट एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का इसका रिजल्टेंट आएगा तो 3g बाय फोर कॉमन ले लो तो अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3g बाय फोर कॉमन लिया 2 वन माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है, दिख रहा है अलग अलग थीटा पे अलग अलग।
अब बात लास्ट उठी कि F और M, और ये करने के लिए हमें न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा, और न्यूटन्स लॉ सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करे मतलब सही होगा, तो हमें सेंटर ऑफ मास के लिए न्यूटन्स लॉ लगाना है। दो एक्सीलरेशन है, तो या तो हम फोर्सेस को इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजोल्व कर लें, या एक्सीलरेशन को ही हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिजोल्व कर लें। तो हम एक्सीलरेशन को रिजोल्व कर लेते हैं, तो ये तीन आंसर मिल चुके हैं, अल्फा मिल गया, ओमेगा मिल गया, ए सेंटर ऑफ मास। अब बाकी दो चाहिए, तो हम अब रिजोल्व करते हैं इसको। तो इस पे ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये फ्रिक्शन था। अब इसका ये एंगल थीटा है, तो इधर से देखिए ये भी एंगल थीटा है, थीटा 90 माइनस थीटा 90 थीटा। तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा इसका, इस तरफ 3g बाय 4 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एल बाय 2। तो 3g बाय 2 वन माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसका वर्टिकल जुड़ गया 3g बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्टिकल 3g बाय 2 वन माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए, तो एम इंटू 3g बाय 4 कॉमन ले लू, ये साइन थीटा कॉस थीटा बना, माइनस 3g बाय 4 कॉमन लिया तो 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये 3mg बाय 4, 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ये फ्रिक्शन आया। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए mg माइनस n इज इक्वल टू m, नीचे है mg माइनस n इक्वल टू m a, फिर से 3g बाय 4 कॉमन लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन मिल गई। नॉर्मल रिएक्शन मिल गया, फ्रिक्शन मिल गया, म्यू रिक्वायर्ड एफ बाय एन, गंदा सा थीटा का फंक्शन आ जाएगा। ठीक, अब नॉर्मल थीटा इक्वल टू जीरो पे फ्रिक्शन भी जीरो आएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो आएगा, थीटा इक्वल टू जीरो पे फ्रिक्शन जीरो है, थीटा इक्वल टू जीरो पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है mg के बराबर, थीटा इक्वल टू जीरो पे नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर आना चाहिए, तो जीरो पे ये भी जीरो और ये टर्म भी जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर mg। ठीक, तो प्योर रोटेशन वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं। चलो तो कुछ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 1, पहला टेंशन इन थ्रेड, दूसरा अल्फा ए सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट, और तीसरा रिएक्शन जस्ट आफ्टर थ्रेड इज कट। Slightly disturbed. Fine. Alpha omega reaction when it
रोटेट्स बाय पीछे वाले ब्लॉक की मैक्सिमम पाई बाय टू. When it rotates by pi, pi by 2 means जब ये horizontal हो जाएगा तो pi, तो ये disk है और pi मतलब vertical हो जाएगा जिसका mass m, radius r है. ठीक है, तो 10 मिनट का पॉज लीजिए और इनको करिए. चलो अब सॉल्यूशन देखें. पहला टेंशन इन थ्रेड, तो इसी के अबाउट ले लो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. अंडरस्टूड है वो 90 डिग्री. तो एम जी इंटू एल बाय टू कॉस थीटा इज इक्वल टू टी इंटू एल, एल से एल कट गया, टेंशन आया एम जी बाय टू कॉस थीटा. पहला. दूसरा, अगर हम थ्रेड काट देते तो इसके पास अल्फा आ जाता, अल्फा आ जाता तो सेंटर ऑफ मास के पास एक अल्फा एल बाय टू का एक्सिलरेशन आ जाता. अब अल्फा कितना आएगा तो यहां थीटा पे mg का l by 2 cos theta 1 by 3 ml square alpha. तो alpha की value 3g cos theta by 2m, ये alpha आ गया. तो a center of mass alpha l by 2, तो ये 3g by 4 cos theta, लेकिन direction इस तरफ है. अब हमें reaction भी चाहिए. reaction चाहिए तो हमें acceleration को resolve करना पड़ेगा horizontal और vertical में, तो कर देते हैं. तो रिएक्शन को आर एक्स आर वाई एम जी, इसको रिजोल्व किया 3g बाय 4 ऐसा था, थीटा हमारा ये था तो ये भी थीटा होगा, तो ये 3g बाय 4 कॉस थीटा, तो ये बनेगा 3g बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 3g बाय 4 कॉस थीटा साइन थीटा. इस तरफ 3g बाय 4 था, 3g बाय 4 कॉस थीटा, इसका एक और कॉस और यहां साइन. ठीक है, अब ये मिटा दूंगा. तो हमारे पास सब कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में है, तो आर एक्स सी एम ए है कॉस थीटा साइन थीटा, आर वाई ही सॉरी एम जी माइनस आर वाई ही एम इंटू थ्री जी बाय फोर कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये आर एक्स मिल गया, ये आर वाई मिल गया. इसी क्वेश्चन में थोड़ा यह समझने की कोशिश करिएगा, कुछ देर पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था, हालांकि उसको यहां से रिलीज किया था लेकिन उसी को हम थीटा से रिलीज करते पिछले क्वेश्चन को. ये स्मूथ नहीं है, रफ है, म्यू इस पर फ्रिक्शन है, ये ऐसा है. यहां से रिलीज करते तो क्या होता, ये ऐसे गिरता, ये पीछे स्लिप करता, लेकिन फ्रिक्शन आएगा वो रोक देगा. तो यहां फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ठीक वही काम कर रहे हैं जो यहां आर एक्स और आर वाई काम कर रहे हैं. तो बिना फिर से सॉल्व किए हम कह सकते थे फ्रिक्शन ये है, नॉर्मल रिएक्शन ये है, बशर्ते मिनिमम म्यू इस केस में मौजूद हो एफ बाय एन. तो यहां म्यू की जरूरत पड़ेगी, कम से कम म्यू इतना चाहिए. यहां म्यू से कोई लेना देना नहीं, आर एक्स कुछ भी हो सकता है, इवन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, फ्रिक्शन भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था, लेकिन हमें पता है टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग पीछे है, इधर आएगा. लेकिन मैग्नीट्यूड म्यू डिसाइड करेगा कि यह कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. तो यहां हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, जो आंसर आ गया वही सही है. लेकिन यहां जो आंसर आए लास्ट में ये चेक लगेगा अगर म्यू दे रखा है तो. चलो क्वेश्चन टू, जस्ट आफ्टर द थ्रेड इज कट. तो जस्ट आफ्टर द थ्रेड इज कट, थ्रेड को काट दिया तो इसके पास अल्फा तो आ जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहां से है. तो एम जी, ये लेंथ एल बाय टू, ये एल बाय फोर, ये L by 4. तो इसके पास अल्फा तो है, तो mg into L by 4 is equal to 1 by 3, लेकिन moment of inertia 1 by 3 ml square इसके about है, हमें इसके about चाहिए, तो formula क्या use होगा, 1 by 12 ml square plus L by 4 का whole square into alpha. ये 12, ये 48, LCM 48, sorry 16, LCM 48, नीचे 7 एम एल स्क्वायर अल्फा एम जी एल बाय 4. ठीक है, तो 12 जी बाय 7 एल, ये अल्फा आया. अल्फा ये आया तो इस समय सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन भी है, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है तो सेंटर ऑफ मास के पास अल्फा एल बाय 4 का वर्टिकली डाउनवर्ड है, सेंट्रिपिटल तो है नहीं,
तो 12g/7 में 4 मल्टीप्लाई करो तो 3g/7, l/4 मल्टीप्लाई करो तो 3g/7 का एक्सीलरेशन। तो इसके पास सिर्फ एक ही रिएक्शन है RY, तो ये हमारा mg है। तो इक्वेशन बनी mg-RY=m×3g/7, RY 4mg/7, ठीक है। और RX तो आया ही नहीं, ये सेकेंड क्वेश्चन था। तो शुरू के दोनों ही क्वेश्चन में अल्फा नहीं था, सॉरी ओमेगा नहीं था, अल्फा दोनों में था। अब इस वाले में ये डिस्क ऐसे रोटेट करेगी तो इसके पास ओमेगा पक्का आ जाएगा, अल्फा भी आएगा। तो अगला क्वेश्चन यही समझाने के लिए था। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये इनिशियल स्टेट है, इससे जब ये क्वेश्चन में इस स्टेट पे पहुंचेगा तो इसके पास एक टॉर्क आएगा अल्फा और एनर्जी भी आ जाएगी ओमेगा। और जब ये इस स्टेट पे पहुंचेगा तो इसके पास ओमेगा और बड़ा आ जाएगा लेकिन अल्फा शायद समझ में आ रहा है जीरो होगा। इनिशियली तो अल्फा भी जीरो है ओमेगा भी जीरो है, इसीलिए हमें डिस्प्लेस करना पड़ा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। अब यहां पे अल्फा जीरो है लेकिन और आगे घूमेगा क्योंकि इसके पास ओमेगा आ चुका है और ओमेगा ठीक है एनर्जी की वजह से। अल्फा जीरो क्यों है? क्योंकि इस पे एक ही टॉर्क था mg का और वो इसी से पास हो गया, लेकिन यहां पे mg यहां से पास हो रहा है तो mg का टॉर्क है। तो इनिशियली तो ये फील करिए, तो यहां सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सीलरेशन नहीं, यहां दो दो एक्सीलरेशन, यहां सेंटर ऑफ मास के पास सिर्फ एक एक्सीलरेशन है सेंट्रीपिटल वाला, टेंजेंशियल नहीं। तो अब हम दोनों सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। तो ओमेगा निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम चाहिए, प्योर रोटेशन का केस है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, और तो कोई वर्क कर नहीं रहा है। mgr इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ एनर्जी एस के अबाउट 3/2 mr² डिस्क थी इनटू ओमेगा स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 4g/3r अंडर रूट। सेकेंड अल्फा चाहिए, तो फिर से हम रोटेशन की इक्वेशन हिंज के अबाउट mg इंटू आर इज इक्वल टू 3/2 mr² अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 2g/3r, ये अल्फा आ गया, अल्फा भी है ओमेगा भी है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन दो दो है, एक इधर तो सेंटर ऑफ मास के पास अल्फा एल बाय टू इधर, सॉरी अल्फा आर इधर, अल्फा आर मतलब 2g/3 नीचे, एक ओमेगा स्क्वायर आर अंदर और ओमेगा स्क्वायर आर 4g/3 पीछे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय सभी फोर्सेस बनाइए साथ में ये भी। तो फोर्सेस कौन से थे? आर वाय, और दिख रहा है आर एक्स अंदर आएगा, अदरवाइज सेंट्रिपिटल कौन देगा? तो आर एक्स ही एम ए है, तो आर एक्स इज इक्वल टू एम ए 4g/3, और mg-ry इज इक्वल टू एम 2g/3। तो यहां से ry की वैल्यू mg/3, rx तो 4mg/3 आ ही गया था। ये पहले के आंसर्स। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में ये जब वर्टिकल हो गया, अब हमें ओमेगा चाहिए, अल्फा हमें कॉमन सेंस से पता है कि जीरो है, ओमेगा चाहिए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये आर से नीचे आर आ गया होगा तो ग्रेविटी ने दुगना वर्क किया होगा, तो ओमेगा जो पिछला आया था उसका रूट टू गुना आ जाएगा, और तो कुछ चेंज हुआ नहीं। तो ओमेगा पिछला आया था रूट टू गुना, या फिर ईमानदारी सॉल्व कर लेते हैं, एमजी इंटू टू आर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये 2r आ गया तो यहां ओमेगा की वैल्यू 8g/3r अंडर रूट, पहले 4g/3r अंडर रूट था, अभी ओमेगा मिल गया, और सेंटर ऑफ मास के पास एक ही एक्सीलरेशन है ओमेगा स्क्वायर r,
और ये सिंप्लीफाई करो तो 8g/3। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पे आर वाई आएगा, 1 mg आएगा, आर एक्स का तो मीनिंग ही नहीं है क्योंकि एक्सीलरेशन है नहीं इस डायरेक्शन में, तो आर एक्स आया नहीं, कोई दूसरा फोर्स भी नहीं है जिसको बैलेंस करना पड़े, तो आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और आर वाई माइनस एम जी, क्योंकि नेट एक्सीलरेशन इधर है तो आर वाई बड़ा होगा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू एम ए, तो आर वाई आ गया 11 mg/3, ये आर वाई निकल आया। ठीक, कुछ क्वेश्चन और मैं मिसलेनियस लेता हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन वन में ये एक डिस्क या कुछ भी बॉल मान लो, इस बार सॉलिड बॉल मान लेते हैं, ये ओमेगा नॉट से घूम रही है, यहां म्यू यहां म्यू। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में एक टेबल पे एक डिस्क इस तरह है, ये ओमेगा नॉट से घूम रही है, यहां म्यू है। ठीक, और तीसरा दो डिस्क ऐसे घूम रही है। ठीक है, ये ओमेगा नॉट से, ये भी ओमेगा नॉट से, ये रेडियस आर, ये रेडियस 2r, मास 2m, मास m, एज्यूम फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एज एफ नॉट। देखिए यहां पे मास m से हम फ्रिक्शन खुद निकालना पड़ेगा, यहां पे भी मास m, रेडियस r, डिस्क है, हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां निकालने के लिए देखिएगा कि ये फ्रिक्शन इस पर डिपेंड करेगा हमने दोनों को कितना जोर से दबा रखा, तो या तो मैं वो अननोन दूं, क्योंकि जितना जोर से दबाओगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन आएगा, उसके पहले रिलेटिव मोशन पक्का है। ये तीनों क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जहां गारंटीड रिलेटिव मोशन हो रही है, फ्रिक्शन पक्का काइनेटिक है क्योंकि ये ऐसे जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन पक्का इधर, इस पर इधर, ये ऐसे घूम रहा है, फ्रिक्शन पूरा लगेगा बैकवर्ड, और इनमें भी ओमेगा बराबर होने से रिलेटिव मोशन जीरो नहीं होगी। क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा नॉट 2r, इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा नॉट r है, ये ज्यादा तेज है, मतलब रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में, इसका मतलब ये तब तक घूमता रहेगा जब तक कि हालात ऐसे नहीं हो जाते। सोचो, ऑब्वियसली ओमेगा और ओमेगा से डिफरेंट है, लेकिन रेशियो 1:2 आएगा। ठीक है, और सही बात है, इस पे फ्रिक्शन आएगा कहां, पीछे, इस पे फ्रिक्शन आएगा आगे, क्योंकि ये ज्यादा तेज था, तो ये फ्रिक्शन इस डिस्क को स्लो डाउन कर देगा, ये फ्रिक्शन इस डिस्क को तेज करेगा, तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से तो बढ़ी आएगी। ठीक है, गारंटीड इस दौरान एनर्जी का लॉस है, एनर्जी कंजर्व नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन काइनेटिक है, एनर्जी यहां भी कंजर्व नहीं है, यहां भी कंजर्व नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, इसमें स्लिपिंग कब रुकेगी, जब ये खुद ही रुक जाएगा। लेकिन अगर इसी ऐसा होता है, ये डिस्क एक बड़ी डिस्क के ऊपर घूम रही होती, तो इसके पास ओमेगा नॉट होता, ये रेस्ट पे होती, दोनों फ्री टू रोटेट है, तो फाइनली ये तब रुकेगा। अब देखिएगा, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन इधर आएगा, तो वो फ्रिक्शन इसको ओमेगा दे देगा, तो फाइनली इसके पास ओमेगा और इसके पास भी ओमेगा, जब दोनों का ओमेगा बराबर हो जाएगा, स्लिपिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें ये टेबल थी, टेबल तो घूम नहीं रही है, फिक्स्ड मान लिया हमने, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसको रुकना पड़ेगा। और हां, रटिए मत कि कब ओमेगा बराबर है, कब भी बराबर है, हमेशा ही क्या करते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी सेम करते हैं, यहां पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है दो, इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी बराबर नहीं करनी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है तो दोनों के लिए रेडियस सेम यूज होगी, या आप कहीं भी किसी भी एक्स पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ले लो, तो इसका ओमेगा एक्स, उसका ओमेगा एक्स, लेकिन यहां पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट
यहां पे था, ठीक है। चलो, और फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझ में आ रहा है, तो तीनों का हेडिंग यही मान लो, टाइम व्हेन स्लिपिंग सीजेस, कब स्लिपिंग खत्म हो जाएगी। चलो, तो पहले क्वेश्चन में तो हमें पता है कि ये फाइनली इसको हमें रोकना है, तो फाइनली ओमेगा जीरो है, तो अगर मैं इसका अल्फा निकाल लूं तो टाइम सीधे ओमेगा नॉट बाय अल्फा है। अगर इसका एंगुलर रिटार्डेशन हमें मिल गया तो ओमेगा खत्म करना है तो ओमेगा नॉट बाय अल्फा टाइम, इसके लिए भी ओमेगा नॉट बाय अल्फा है, लेकिन इसके लिए जब हम बात करेंगे तो ये ओमेगा बाय टू, ये ओमेगा है, इसका अगर रिटार्डेशन अल्फा है, इसका रिटार्डेशन अल्फा वन, इसका रिटार्डेशन अल्फा टू, ये मान लिया, तो टाइम आएगा ओमेगा कितना लॉस हुआ बाय अल्फा वन, कितना गेन हुआ, ये लॉस और गेन समझ में आया, क्योंकि ओमेगा कम हुआ तो इसके ओमेगा में जो लॉस है, चूंकि इस पर फ्रिक्शन ऊपर था तो ओमेगा कम हो रहा है अल्फा की वजह से, इसका ओमेगा बढ़ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन नीचे था, और देखिए अल्फा वन अल्फा टू लिखा मैंने, अल्फा वन अल्फा टू लिखा, क्योंकि दोनों पे फोर्स डिफरेंट है, सॉरी फोर्स सेम है, टॉर्क अलग अलग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग है, तो जरूरी थोड़ी अल्फा सेम है। चलो, तो अब हम सॉल्व करते हैं शुरू से तीनों। पहले क्वेश्चन में हमें देखना है इस पे फ्रिक्शन, ये ऐसे घूम रहा है तो फ्रिक्शन यहां आएगा, इस वाले पे फ्रिक्शन यहां आएगा, नॉर्मल रिएक्शन यहां एन वन एफ वन एफ टू एन टू एम जी, लेकिन जरा सेंट्रोमास से पूछ लिया जाए कि उसकी क्या स्थिति है, बताओ सेंट्रोमास का एक्सीलरेशन कितना है, जीरो, वो तो हिले ही नहीं, और एक्सीलरेशन ऑफ सेंट्रोमास जीरो है तो हम सीधे एक्चुअली इसके इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व कर लेंगे, और उससे भी बड़ी बात हमें यह भी पता है कि F1 कुछ और नहीं म्यू N1 है, F2 कुछ और नहीं म्यू N2 है। अब देखिए म्यू N1 ही N2 है, म्यू N1 ही N2 है, N1 प्लस म्यू N2 इज इक्वल टू एम जी है, तो N2 की वैल्यू म्यू N1 छाप दो, N1 प्लस म्यू स्क्वायर N1 इक्वल टू एम जी, तो N1 इज इक्वल टू एम जी बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और N2 की वैल्यू म्यू एम जी बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये दोनों हमें मिल चुके हैं। अब इसका टॉर्क इधर, इसका टॉर्क इधर, N1 N2 mg टॉर्क देने वाला ही नहीं है, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से टॉर्क आएगा म्यू N1 R म्यू N2 R बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है सॉलिड बॉल 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर, ये आया अल्फा, तो 5 बाय 2 ठीक है म्यू एम आर स्क्वायर एन वन प्लस एन टू, एन वन प्लस एन टू करो तो ये बना म्यू एम जी प्लस एम जी बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है, एम कट गया बस, जी बाहर निकाल लो, तो 5 बाय 2 म्यू म्यू प्लस 1 बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर जी बाय आर, ये अल्फा निकल आया, तो कितनी देर में स्टॉप्ड होगा, तो ओमेगा नॉट बाय ये गंदा सा अल्फा, अब नहीं छाप लो, ओमेगा नॉट बाय अल्फा इतनी देर में रुक जाएगा। तो यहां हमने फिर देखा कि आखिरकार सेंट्रोमास के साथ क्या हुआ, सेंट्रोमास रेस्ट पे था, दैट्स व्हाई फोर्सेस हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बराबर कर दिए, लेकिन सेंट्रोमास के पास रोटेशन अब भी हो रहा है तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा तो अब भी लगेगा, और यही सेंटर ऑफ रोटेशन, तो इसकी मदद से एन वन एन टू निकाले, स्लिपिंग हो रही थी तो फ्रिक्शन म्यू एन वन म्यू एन टू आएंगे, और टोटल टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से कंपेयर किया, अल्फा मिला, टाइम मिला, और ऑब्वियसली ये पूरी जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है वो हीट में चली जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन रफली सेम है क्योंकि कॉन्सेप्ट वही लगना है,
इस पर भी रिटार्डेशन है, बस हमें इसका अल्फा ढूंढना है। बड़ा ही आसान हो जाता अगर यहां ये रिंग होती, अगर ये रिंग होती और ओमेगा नॉट से घूम रही होती, तो हर पॉइंट पे फ्रिक्शन एफ जो लगता वो आर डिस्टेंस पे लगता, और चूंकि सेंटर मास अब भी रेस्ट पे है तो नॉर्मल रिएक्शन एमजी के बराबर लिख सकता हूं। इस पे नॉर्मल रिएक्शन, इसमें भी अगर रिंग होती तो नॉर्मल रिएक्शन एमजी के बराबर होता। एक्चुअली एन पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एन पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सभी एन का समेशन एमजी के बराबर, सभी फ्रिक्शन वेक्टोरियली कट रहे हैं, लेकिन जब हम टॉर्क की बात करेंगे तो एफ इंटू आर, सभी का टॉर्क जुड़ेगा, सभी का टॉर्क जुड़ेगा, मतलब ये डी एफ अगर मैं मानता, ये डी एन मानता, तो डी एफ इंटू आर को म्यू डी एन इंटू आर लिख सकते हैं, और ये डीएन तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा, और डीएन कितना है एमजी। आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि फ्रिक्शन पूरे में स्केलर समेशन म्यू एमजी, वेक्टोरियली फ्रिक्शन कट गया है, तभी तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, लेकिन टॉर्क में फ्रिक्शन का टॉर्क ऐड हो रहा है और सीधे म्यू एमजी। तो यहां दिक्कत क्यों नहीं हुई, क्योंकि फ्रिक्शन का डिस्टेंस फिक्स हो गया, तो टॉर्क ये आता, अल्फा आता म्यू एमजी आर बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, और टाइम आता ओमेगा बाय अल्फा। लेकिन दिक्कत यह है कि इस वाले केस में यह डिस्क है, तो इसका फ्रिक्शन सिर्फ, सॉरी ओमेगा ऐसा है तो फ्रिक्शन ऐसे होंगे, लेकिन यह हर रेडियस पे एक्ट कर रहे होंगे, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सभी फ्रिक्शन का समेशन, हम डायरेक्ट फ्रिक्शन का समेशन नहीं करना है बिल्कुल, अगर इसका, अगर हमें यह करना होता तो यह चीज जीरो आती, डीएफ के मॉड का समेशन म्यू एमजी आता, लेकिन हमें जो जोड़ना है डीएफ इंटू एक्स का समेशन करना है। हर डीएफ का टॉर्क निकालो, एक्स सेंटर से डिस्टेंस इंटीग्रेट करो, लेकिन ये एक्स बदल रहा है, मतलब बिना इंटीग्रेशन करे काम नहीं चल रहा, क्योंकि ये एक्स वेरिएबल है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रिक्शन का। कोई बात नहीं, रिंग का आंसर तो हम निकाल पा रहे हैं, तो हम इसके किसी एक रिंग पे, एक्स पे एक रिंग माने, इस रिंग पे हम फ्रिक्शन मान लें, सॉरी ऐसा बनेगा, तो इसका जो छोटा टॉर्क आएगा एक्सटर्नल, वो आएगा म्यू डी एम जी इंटू आर, और डी एम जी, डी एम की वैल्यू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू टू पाई एक्स डी एक्स, और आर कौन सा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स, ये डीटो, तो टॉर्क का इंटीग्रेशन, ये मोमाया काटो, टू म्यू एम बाय आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय थ्री और जीरो से आर, तो म्यू एम जी इंटू टू आर बाय थ्री, ये हमारा एक्सटर्नल टॉर्क है। तो अल्फा की वैल्यू टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ का फोर इधर गया, तो फोर बाय थ्री म्यू जी बाय आर, तो टाइम ओमेगा नॉट बाय अल्फा, इतनी देर में रुक जाएगा। ऑब्वियसली अल्फा रिटार्डेशन है, सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन अलग से सोच ली, काट रहा है, ठीक। हां, अब इसमें एक गलती करते हैं, बहुत लोगों के बीच उसमें ये डाउट आता है, क्यों ना हम इसी रिंग के लिए, हमने इस रिंग का टॉर्क तो निकाल लेते हैं, इस रिंग का टॉर्क कितना आया म्यू डी एम जी इंटू एक्स, इस रिंग को इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर दें एम आर स्क्वायर, तो डी एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, डीएम डीएम कट गया, म्यू जी बाय एक्स, ये अल्फा आ गया, और करते क्या है कि अल्फा निकल आया और टाइम आया ओमेगा नॉट बाय अल्फा। लेकिन शायद एक बात समझ में आ रही है कि एक्स वेरिएबल है तो अलग अलग रिंग का अलग अलग टाइम आएगा, लेकिन रुकेगी तो एक साथ, इसका मतलब यहां कुछ तो गलत है, और गलत यह है कि इस हिसाब से सबका अल्फा अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब सबका ओमेगा अलग अलग है कुछ देर बाद, मतलब सभी में रिलेटिव मोशन है,
इसके हिसाब से, और अगर रिलेटिव मोशन है और चूंकि ये बॉडी रिजिड है जो अपने पार्ट्स में रिलेटिव मोशन अलाउ नहीं करेगी, तो रिंग्स मूव करना चाह रही है, ये मूव करने नहीं देगा, मतलब रिंग्स के बीच में एडहेसिव फोर्सेस आएंगे, ये रिंग दूसरी रिंग से चिपकेगी, वो इससे सभी चिपकी हुई है एक तरीके से, इसका मतलब एडहेसन जो इन पे चिपका हुआ है उसका एक टॉर्क और आएगा, मतलब इस रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं है, इस पे एक टॉर्क कुछ तो भी है, इसीलिए मैंने ये बोलते समय टॉर्क एक्सटर्नल कहा था यहां पे, जब मैं बोल रहा था कि एक्सटर्नल टॉर्क को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटरनल टॉर्क आएंगे तो वो कट जाएंगे, ठीक। दूसरा और कह सकते हैं यहां से ये आंसर बड़ा अच्छा लग रहा है, म्यू एम जी इंटू टू आर बाय थ्री, कि पूरा म्यू एम जी अगर हम टू आर बाय थ्री पे मान लें तो मजा आ जाएगा, इसका मतलब अगर मैंने रिंग में ना तोड़ के इसको ट्रेंगल में तोड़ा होता, अगर ट्रेंगल में तोड़ा होता तो सभी के नॉर्मल रिएक्शन का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है, इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, टू आर बाय थ्री, तो इस पे जो पूरे पे एन एक्ट कर रहा है उस एन को सिंगल एन से रिप्लेस कर दो जो टू आर बाय थ्री पे, और सभी का टू आर बाय थ्री पे, तो इन सभी को एक रिंग मान लो जो टू आर बाय थ्री पे, ये टॉर्क आ गया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए रिंग मत मान लेना, ये इस कैलकुलेशन के लिए रिंग मान पा रहे हैं क्योंकि वो एक्स डीएम टाइप का इंटीग्रेशन हो रहा था, ये बनता टॉर्क, डीएफ बनता म्यू डीएन और डीएन बनता म्यू डीएम जी, और म्यू जी कॉमन लो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स, और एक्स डीएम का इंटीग्रेशन सेंटर मास की जुगाड़ है, ये मैथमेटिकली जुगाड़ बन गई है, इट डजंट मीन कि आप इस रिंग का आंसर निकालो तो सही आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अभी भी टोटल लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालते तो एम ये निकलता जो कि पक्का गलत है, तो यहां बहुत ही जरूरी चीज ये है कि जब भी आप जुगाड़ यूज करें उसका प्रूफ सोचिए, ठीक है, और मेरा पर्सनल मानना यह है अगर आपने खुद ने जुगाड़ निकाली है तो यूज करिए, अदरवाइज जुगाड़ पर ज्यादा भरोसा मत करिए, खासकर एडवांस में, प्रूफ के साथ उसको देखिए, तो ये मैथमेटिकली बन गया था, कोई लॉजिकली ऐसा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, इस पे फ्रिक्शन इधर है, इस पे फ्रिक्शन इधर है, और ये अच्छी बात है, हमें गिवन है, ये एफ नॉट हमें गिवन है, तो यहां से ये 2R, यहां से ये R, तो इसका अगर अल्फा मानू तो एफ नॉट इंटू 2R बाय हाफ 2m 2R का होल स्क्वायर, ये अल्फा है, 2 से 2 कटा, एक 2 से 2 कटा, एफ नॉट बाय 2mR, ये अल्फा आया, इसका अल्फा डैश मानू तो अल्फा डैश आया एफ नॉट R बाय हाफ एम आर स्क्वायर, तो ये आया 2f0 बाय एम आर, तो देखिए अल्फा डैश की वैल्यू 4 अल्फा है, जैसे मैंने कहा था अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर नहीं, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, आप सीधे सोच सकते थे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका हीट आई है, मास भी डबल, रेडियस भी डबल, रेडियस पे स्क्वायर, इसका आई है, इसका एट आई है, इस पे टॉर्क टॉ है, इस पे टॉर्क टू टॉ है, टॉर्क डबल है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 गुना है, तो अल्फा में 1:4 होना था, तो अब हमें अल्फा डैश की वैल्यू कितनी पता है, 4 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमें पता है एफ नॉट बाय 2mR। अब इसकी इक्वेशन, इसकी ओमेगा किसी भी समय पर, तो हमने माना इसका हो गया ओमेगा 1, इसका हो गया फाइनली ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डैश टी, ठीक है, और अल्फा डैश की वैल्यू 4 अल्फा इसको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिख चुके हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है, जब ये दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, ओमेगा 1 इंटू 2R इज इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू R, तो 2 ओमेगा 1, तो 2 ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी,
ओमेगा टू, ओमेगा नॉट प्लस फोर अल्फा टी, तो ये ओमेगा नॉट बाय सिक्स अल्फा, और अल्फा की वैल्यू ये थी, तो ओमेगा नॉट बाय सिक्स एफ नॉट टू एम आर। ये हमारा टाइम टेकन है। तो ये हमने वो सभी क्वेश्चन देखे जहां पॉइंट ऑफ रोटेशन हमें पता था। अब अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन इज नॉट नोन, अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन नहीं पता, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि अब क्या होगा, शायद सेंटर मास के पास एक्सीलरेशन हम ए मान लें, सेंटर मास के अबाउट ये अल्फा होगा। अब हम जब टॉर्क की इक्वेशन लगाते, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा और एफ इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास, ये तो अब भी सही है, लेकिन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाने के लिए पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट आप लगा रहे हैं मस्ट बी एट रेस्ट। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाएंगे तो आप उसको स्टॉप करेंगे, स्टॉप करेंगे तो एक स्यूडो आएगा पीछे, और अगर पीछे स्यूडो आएगा तो इस पॉइंट पे टॉर्क कैलकुलेशन में स्यूडो का असर आएगा नहीं, लेकिन अगर किसी और पॉइंट के अबाउट लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक एग्जांपल से अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिलहाल ये समझिएगा कि हम इक्वेशन यूज करेंगे ये वाली कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ये एफ इक्वल टू एम ए, ये तो हमेशा ही ट्रू है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, ये फोर्स एफ है, ठीक है, हिंज कहीं नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, फाइंड ए एंड अल्फा ऑफ रॉड। दूसरा एक्सीलरेशन ऑफ टॉप पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, ये दो क्वेश्चन होते हैं। तो हमने क्या किया कि इसके लिए अगर हमने इस पॉइंट के अबाउट मान लो लगा दें टॉर्क, तो हमने मान लिया, मान लो ये अल्फा है, हमने ये लगाया एफ, तो टॉर्क हो गया टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा एफ इंटू एल इज इक्वल टू वन बाय थ्री एम एल स्क्वायर अल्फा। इसी में अगर मैं इसी पॉइंट के अबाउट लगा दूं, जैसे मिड पॉइंट के अबाउट लगाऊं पहले, तो आता एफ इंटू एल बाय टू इज इक्वल टू वन बाय ट्वेल्व एम एल स्क्वायर अल्फा। इसी में अगर मैं इसी पॉइंट के अबाउट ले लूं तो टॉर्क जीरो है, अल्फा जीरो है। अब ये तीनों चीजें एक साथ तो सही नहीं हो सकती, तो इनमें से कोई एक ही सही है, और दिख रहा है कि टॉर्क अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग है, और अगर हम किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते तो फिर तो बॉडी कभी रोटेट ही नहीं करती, आप जहां भी फोर्स लगाते उसी के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख देते। लेकिन हम ये जानते हैं कि बॉडी सिर्फ तभी रोटेट नहीं करती, कॉमन सेंस का एक्सपीरियंस है, जब हमारा फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इसका मतलब इसके अबाउट टॉर्क जीरो है तो जीरो है, लेकिन अगर यहां से पास हो रहा है तो रोटेट करेगी, मतलब ये बाकी गड़बड़ है। और गड़बड़ी इनमें यही है कि ये पॉइंट एक्सीलरेट कर रहा है, इवन ये पॉइंट भी एक्सीलरेट कर रहा है, ये भी एक्सीलरेट कर रहा है, तो अगर आप इनके अबाउट लोगे तो आपको स्यूडो लेना पड़ेगा, और स्यूडो इनसे पास नहीं होगा, स्यूडो यहां से पास होगा। तो मैं दोनों ही फ्रेम में या दोनों ही पॉइंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने माना इस पॉइंट का एक्सीलरेशन ए है, ये अल्फा है, ये मैंने मान लिया। अब एफ, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे दो इक्वेशन लिखनी है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब टॉर्क मैंने इस पॉइंट के अबाउट लिया, लेकिन जब आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे तो प्योर रोटेशन मानोगे तो स्यूडो पीछे आएगा, लेकिन स्यूडो यहां नहीं आएगा, स्यूडो आएगा, स्यूडो का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास है एफ। अब लो, तो अब इस पॉइंट के अबाउट, अब ये फिक्स हो गया, अब आप अल्फा की इक्वेशन लगा सकते हैं, तो एफ इंटू एल माइनस एम ए
इज इक्वल टू 1/3 ml² अल्फा, क्योंकि आप स्यूडो ले चुके हो तो अब न्यूटन्स लॉ ट्रू है, और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी न्यूटन्स लॉ है, ठीक है। तो एम ए इंटू एफ इंटू टू एल, मैंने लेंथ कितनी मानी लिखी नहीं है, तो ये एल बाय टू, एल बाय टू, तो एम ए इंटू एफ इंटू एल, एम ए इंटू एल बाय टू, एक इक्वेशन। अब इस दौरान चूंकि ये प्योर रोटेशन है, कैमरा इस पे लगाया तो ये प्योर रोटेशन है, इसके रिस्पेक्ट में प्योर रोटेशन है, तो सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सीलरेशन भी है, कितने का, अल्फा एल बाय टू का। अब सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सीलरेशन आ गया अल्फा एल बाय टू, क्योंकि बाकी जो एफ इक्वल टू एम ए लगाओगे वो तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, सेंटर ऑफ मास के लिए ही लगाना है। तो एफ नेट कितना है, एफ माइनस एम ए इज इक्वल टू एम अल्फा एल बाय टू, इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन अल्फा एल बाय टू है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो पहली इक्वेशन सुधार लो, तो पहली है एफ माइनस एम ए बाय टू इज इक्वल टू 1/3 ml α, ठीक। इसका डबल करके जोड़ दूं तो 3f डबल करके घटा दूं एक्चुअली, तो ये f इसके डबल में से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो m a कट गया, यहां f बचा 2/3 - 1/2 1/6 ml, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 6f/ml, और a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 6f/ml, तो f माइनस एम ए इज इक्वल टू m अल्फा l बाय टू 3f/ml, और a की वैल्यू कितनी बन गई, a की वैल्यू बन गई -2f/ml। यस सर, ठीक। तो ये आंसर मैंने यहां लिखा तो मेरे पास आया इस पॉइंट का, पॉइंट P का एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P -2f/ml, एक्चुअली 2f/ml लेफ्ट कर दूं, और अल्फा आया 6f/ml। अब हम इसी चीज को ग्राउंड के फ्रेम में करते हैं। हाँ, इसमें जरूर समझिएगा कि चूंकि एक्सीलरेट कर रहा था इसको स्टॉप किया, इसको स्टॉप किया तो प्योर रोटेशन चालू हो गया। आप बॉडी के किसी भी पॉइंट पर कैमरा लगा दोगे तो प्योर रोटेशन चालू हो जाएगा, बॉडी प्योर रोटेट करना चालू कर देगी उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और बॉडी प्योर रोटेशन चालू करेगी उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ये तो काइनेमेटिक्स हो गई, लेकिन न्यूटन्स लॉ में एक करेक्शन फैक्टर आएगा कि एक एम ए सेंटर ऑफ मास पे ट्रांसफर होगा। अब आप नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लो कि इस पॉइंट पे हिंज है एम ए एफ, तो एक टॉर्क की इक्वेशन, एक ट्रांसलेशन की। अब हम क्या करते हैं कि अगर ये हम सेंटर ऑफ मास लिए होते तो मैं इसको सेंटर ऑफ मास ले लेता हूं, इसको अल्फा सेंटर ऑफ मास ले लेता हूं। अब अगर इस पर बात करता तो सेंटर ऑफ मास भी तो एक्सीलरेट कर रहा है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ए सेंटर ऑफ मास, इस पे एक स्यूडो आएगा एम ए सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे एक आया एफ, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है, तो ये तो बिल्कुल सीधे सीधे एफ एल बाय टू 1/12 ml² अल्फा सेंटर ऑफ मास, तो अल्फा सेंटर ऑफ मास 6f/ml। ये अल्फा और ये अल्फा सेम आना इत्तेफाक नहीं है, हर रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है कि रिजिड बॉडी अगर अल्फा से घूम रही है तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में भी अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में भी अल्फा है। तो रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सीलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, डजंट मैटर, हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में अल्फा ही आएगा। अब इसमें हम यह भी सोच सकते थे कि यहीं से सीधे इक्वेशन लिख लें एफ इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास, तो ए सेंटर ऑफ मास तो सीधे एफ बाय एम आ गए, और अब अगर मैं इससे ये कितना आ गया एफ बाय एम, अल्फा कितना है 6f/ml, तो अब इस पॉइंट का एक्सीलरेशन देखिए, एक्सीलरेशन ऑफ p
अल्फा एल बाय टू पीछे, एफ बाय एम आगे, अल्फा एल बाय टू करो, थ्री एफ बाय एम पीछे, एफ बाय एम आगे, टू एफ बाय एम पीछे, और यही आंसर था। ठीक है, अब इससे कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आप किसी ऐसे पॉइंट को रोकते हो जो सेंटर ऑफ मास नहीं है तो स्यूडो का टॉर्क लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, जब हम एफ इक्वल टू एम ए की इक्वेशन लिख रहे हैं वो तो सेंटर ऑफ मास के लिए लिखनी थी, तो पिछले में हमें क्या करना पड़ा, पहले इसको स्टॉप किया, तो एक हमें स्यूडो सोचना पड़ा, उससे भी फिर हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी लिखना पड़ा अल्फा एल बाय टू, और इक्वेशन तो सेंटर ऑफ मास के लिए लगनी थी, तो क्यों ना हम ऑलरेडी वेरिएबल ही सेंटर ऑफ मास माने, सो दैट ये इक्वेशन लिखते समय नए वेरिएबल की जरूरत ना पड़े या कुछ और ना करना पड़े। एक बेनिफिट ये है। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि सेंटर ऑफ मास का स्यूडो उसी से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट पे टॉर्क नहीं आएगा, मतलब हम निश्चिंत होके एफ इक्वल टू एम ए सीधे सीधे लगा सकते हैं, और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी लगा सकते हैं, बशर्ते टॉर्क सेंटर ऑफ मास आई अल्फा। तो अगर हिंज मिल गई तो अच्छी बात है, हिंज मिल गई तो स्यूडो का लफड़ा नहीं है, हिंज मिल गई तो स्यूडो का लफड़ा नहीं है, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा सीधे मिल जाएगा। हिंज नहीं मिली तो आप सेंटर ऑफ मास को हिंज की तरह ट्रीट कर लो, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखते सकते, और बाकी इक्वेशन तो सीधे सीधे लिखनी थी। तो ये बेसिक हमारी स्ट्रेटजी है इसमें, और वजह अच्छे से समझिएगा कि हम कब ऐसा कर सकते हैं। तो अल्फा, अगर तुमने पॉइंट कहीं और ले लिया, मान लो ग्राउंड पर पॉइंट ले लिया और इसके अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इसके अबाउट डिफाइन नहीं है, क्या क्या होगा, प्योर रोटेशन तो हो नहीं रहा, इसके अबाउट अल्फा बदलेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बार बदल जाएगा, और ये रॉड का पार्ट है नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएंगे। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन के लिए हम बॉडी पे जो पॉइंट होते हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, बाहर पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखिए रॉड घूम गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने लगेगा, तो ये पॉइंट रॉड के साथ तो घूमेगा नहीं। ठीक, तो ये बहुत ही एक कॉमन कंफ्यूजन था और उम्मीद है क्लियर हो गया। चलो, तो ये हमारे बेसिक लॉजिक है। तो एक हम समझे कि टॉर्क सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा, और एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास। ऑब्वियसली ये एक्स में अलग लिखेंगे, वाई में अलग लिखेंगे। ये इक्वेशंस हमारे लिए। अब हमें एक और इक्वेशन की जरूरत है, कंस्ट्रेंट, क्योंकि मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, ये सब आएंगे तो ये अपना कंस्ट्रेंट भी पुट करते हैं, कि इनका अपना एक कंस्ट्रेंट है, जैसे फ्रिक्शन चाहता है स्लिपिंग ना हो, टेंशन चाहता है रस्सी की लेंथ कांस्टेंट हो, नॉर्मल रिएक्शन चाहता है पेनिट्रेशन ना हो, तो जितने ये अननोन आएंगे उतने कंस्ट्रेंट भी आएंगे। कई बार कंस्ट्रेंट हम लगा चुके होंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, कई बार नहीं भी लगाए होंगे तो हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे देखिएगा इसमें इसका मास जीरो, इसका मास एम, इसका मास एम, ये डिस्क। अब देखते हैं इस दौरान वेरिएबल क्या थे, ये टी, और ये भी मैं टी लिख सकता हूं क्योंकि ये अभी भी मासलेस है। अब इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एक फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन दाएं बाएं कुछ भी मान लो अपने आप पता चल जाएगा कहां है, लेकिन अननोन समझिए कितने हैं, एफ एन टी। अब हम यहां अगर एक्सीलरेशन लिखते तो इसका मैंने माना सेंटर ऑफ मास का ए है हॉरिजॉन्टल, मतलब मैं नॉर्मल रिएक्शन का कंस्टेंट लगा चुका हूं। नॉर्मल रिएक्शन क्या कह रहा है कि इससे सेंटर का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये ऐसे पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ऊपर भी नहीं जा सकता, तो एन का कंस्टेंट लग चुका है। अब मैंने माना अल्फा, क्योंकि यहां मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पॉइंट रोटेशन, तो हमने सेंटर ऑफ मास के ए और अल्फा मान लिए।
तो इस पॉइंट के पास एक एक्सीलरेशन आ गया ए प्लस अल्फा, और इसके पास भी वही होगा। ये मैं थ्रेड का कंस्टेंट यूज कर चुका हूं, ये मैंने थ्रेड का कंस्टेंट यूज कर लिया कि जो एक्सीलरेशन इसका वही इसका, तभी लेंथ कांस्टेंट होगी। तो अननोन एन आया, उसका कंस्टेंट यहां यूज कर लिया, टी आया, उसका यहां यूज कर लिया, लेकिन एक अननोन फ्रिक्शन भी है, और फ्रिक्शन चाहता है कि अगर रोलिंग हो रही है, रोलिंग हो रही है मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक है, फ्रिक्शन स्टैटिक है मतलब फ्रिक्शन जो चाहता है वो हो गया। तो ये पॉइंट और इन पॉइंट का एक्सीलरेशन आपस में बराबर होगा। अब इसका तो जीरो है, तो इसका कितना है ए माइनस अल्फा आर, और ये दोनों बराबर हैं, तो ए माइनस अल्फा आर की वैल्यू जीरो। अब जितने कंस्टेंट लगने थे लग चुके, तो क्यों ना मैं अल्फा को यहां ए बाय आर लिख लू, इसको टू ए लिख लू, इसको टू ए लिख लू। अब हम ये सब मिटा देते हैं। अब हम तीन वेरिएबल थे, तीनों कंस्टेंट हैं यूज कर चुके, तो अब हमारे पास इक्वेशंस टी और एफ अननोन है। ऑब्वियसली ये नॉर्मल रिएक्शन अननोन है एक, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन लिखने की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर आप इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए टी एफ ए अल्फा एन एम जी, तो वाई डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास के पास है नहीं, तो एन ही एम जी है, ठीक है। अब टी प्लस एफ ही एम ए है हॉरिजॉन्टल में, और एक इसके लिए लिख सकते हैं हम, तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम एम जी नीचे टी ऊपर 2a mg माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू टू ए, ठीक। लेकिन एक इक्वेशन अभी भी रह गई है इसके लिए रोटेशन की। अब इसके लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन लिखें, सो दैट सीडो का लफड़ा ना हो। अब अल्फा इधर है मतलब t बड़ा है, तो t इंटू आर माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क मान लेते हैं हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा, तो टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा ही ये था, तो इसको एम ए बाय टू लिख लू, ये टी प्लस एफ इक्वल टू एम ए है। इन दोनों को जोड़ दूं तो टी इज इक्वल टू थ्री एम ए बाय टू, एफ इज इक्वल टू थ्री एम ए बाय फोर, और फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए बाय फोर, और यहां से एम जी माइनस टी इक्वल टू टू एम ए, और टी की वैल्यू थ्री एम जी बाय फोर थी टू एम ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई एम जी माइनस टी थ्री एम ए बाय फोर एम इंटू टू एम ए बाय फोर था सॉरी हाँ, तो ये आया एट और थ्री, ए की वैल्यू फोर जी बाय इलेवन, ये एक्सीलरेशन आ गया। तो 4g by 11 एक्सीलरेशन आ गया हमारा a की वैल्यू, तो बाकी सब आ गया, a हमारा 4g by 11, फ्रिक्शन ma by 4 mg by 11, टेंशन 3 by 4 3mg by 11, नॉर्मल रिएक्शन किधर है हमारी, नॉर्मल रिएक्शन mg थी। अब नॉर्मल रिएक्शन और ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि मिनिमम म्यू रिक्वायर्ड 1 बाय 11 है, एफ और एन का रेशियो 1 बाय 11 है, कम से कम फ्रिक्शन 1 बाय 11 चाहिए, 1 बाय 11 से ज्यादा है मतलब ये सॉल्यूशन हमारा पूरा सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का बेहतर तरीका होता, मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन की जुगाड़ है, ये मैंने न्यूटन्स लॉ में जुगाड़ बताई थी कि अगर सभी का एक ही टर्म में लिख पा रहे हो तो हम सीधे ऐसा मान सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट x, इसकी वेलोसिटी v, इसका 2x, इसकी 2v। अब फ्रिक्शन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शन वर्क करेगा नहीं, नॉर्मल रिएक्शन करेगा नहीं, टी करेगा नहीं, तो ग्रेविटी का वर्क एम जी 2x, और तो कोई कर नहीं रहे, हाफ एम टू वी का होल स्क्वायर, इसका वी है तो ये वी बाय आर होगा,
तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ हाफ एम आर स्क्वायर वी बाय आर का होल स्क्वायर, इसी को लिखा हाफ फोर एम प्लस एम प्लस एम बाय टू वी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करते तो इसका डेरिवेटिव एम जी इंटू टू बनता, ये बनता हाफ ऑफ चार और एक पांच दस ग्यारह इलेवन बाय टू, और ये बनता टू वी डी वी बाय डी एक्स, और डी वी बाय डी एक्स ही एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू फोर जी बाय इलेवन। ठीक है, या यहां से दिख रहा है ये एम इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव फोर्स है, इफेक्टिव फोर्स 2mg, इफेक्टिव मास ये डिवाइड कर दो इफेक्टिव एक्सीलरेशन। SHM में भी टाइम पीरियड निकालने के लिए हम ये जुगाड़ यूज करते हैं, ये जुगाड़ कब काम करेगी समझिए, जब सभी का आंसर v के टर्म में लिखा हो, अगर v और v डैश है तो ये सिंगल वेरिएबल बने ही नहीं तो आंसर निकलेगा ही नहीं, इक्वेशन में गलती नहीं आंसर ही निकल पाएगा। ठीक, तो हम इसको हम सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं, और ये देखिए काफी जल्दी हो जा रहा है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन अगर हमसे म्यू रिक्वायर्ड पूछा होता तो ए तो हमने इससे निकाल लिया 4g/11, तो इसका एक्सीलरेशन आ गया 4g/11, इसका आ गया 8g/11। अब आपको ये डिकोड करते हुए आना चाहिए, mg में से 8mg/11 खर्च हो गया, 3mg/11 ये बचा। अब इस पे ये 3mg/11 है, अब लेकिन इसका एक्सीलरेशन 4g/11 है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 3g/11 आता, 1g/11 एक्स्ट्रा है, मतलब फ्रिक्शन ने एक्स्ट्रा mg/11 दे रखा है। समझ आया? तो पहले हम ए निकाल लें फिर वापस इसी में पुट कर दें, तो ये काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है, फंडामेंटल मीन्स प्रॉपर इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और एलेबरेट करता हूं, ये इंटरेस्टिंग है जो मैं कह रहा हूं, अगर म्यू 1/11 से कम होता, मान लीजिए म्यू होता 1/12 या 0 या कुछ भी, अगर म्यू 1/11 से बड़ा है तो सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल सही, 1/11 से छोटा है मतलब गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ हो गया तो ध्यान दीजिए, एक दरवाजा खुलेगा तो एक दरवाजा बंद होगा, एक दरवाजा बंद हो गया कौन सा, ये ए है ये अल्फा है, ए माइनस अल्फा आर इक्वल टू जीरो, ये गलत है, कंस्ट्रेंट गलत हो गया, और मैं ऐसे सोचता हूं कंस्ट्रेंट गलत हो गया क्योंकि हमें फ्रिक्शन पता है, कंस्ट्रेंट समझ गए, कंस्ट्रेंट गलत हो गया क्योंकि हमें फ्रिक्शन पता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स हो गई, और नॉर्मल रिएक्शन एमजी के बराबर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी है, और म्यू एम जी मतलब एम जी बाय 12, कोई दिक्कत तो नहीं, तो कंस्ट्रेंट खत्म हो गया तो अच्छी बात है, फ्रिक्शन पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रिक्शन की वैल्यू पता है, एक्चुअली फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन में रिलेशन पता है कि एफ इक्वल टू म्यू एन है और म्यू की वैल्यू 1/12 एन है, तो ये दो डिफरेंट अननोन नहीं है, एक ही अननोन है, वो इस केस में एन पता था इसीलिए फ्रिक्शन पता है। ठीक है, तो एक कंस्ट्रेंट खत्म होगा तो एक वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा और हो चुका है, और अब ये 2a नहीं है, ए प्लस अल्फा आर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, हमें ये पता है ये टी। अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में गड़बड़ हो जाएगा, अब वर्क एनर्जी थ्योरम से करते तो ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन इसका वी मानते, इसका वी बाय आर नहीं वी डैश बाय आर आता, का v प्लस वी डैश बाय आता, तो अब जब आप लिखते तो दो अननोन आते, दूसरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी आएगा, वो तो ठीक है म्यू एम जी इनटू एक्स, लेकिन फ्रिक्शन के दो वर्क होंगे, ट्रांसलेशन में सपोर्ट करेगा रोटेशन में रोकेगा, तो बहुत सारा रायता फैल जाएगा। चलो वो हम तभी करेंगे जब एक सिंगल वेरिएबल हो और वर्क डन हमें डायरेक्ट पता हो। चलो तो कोई बात नहीं, इक्वेशन तो हमारे पास है, mg माइनस t इज इक्वल टू एम ए प्लस अल्फा आर, इसके लिए t प्लस एफ इक्वल टू एम ए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो इक्वेशन टॉर्क की लिखना हमेशा सही होती है, तो t इंटू आर माइनस एफ इंटू आर, और f हमें पता है
एम जी बाय 12 एफ ही रहने दो, बाद में छाप लेंगे, हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा, तो टी माइनस एफ इक्वल टू हाफ एम आर अल्फा को ए मत छाप देना, आर अल्फा। अब इसमें इसमें टी इलिमिनेट कर दूं तो 2f इक्वल टू, 2f इक्वल टू एम इन टू, सही है, ए माइनस आर अल्फा बाय 2। एफ की वैल्यू हमें पता है कितनी है, mg बाय 12, तो g बाय 6 इज इक्वल टू ए माइनस अल्फा आर बाय 2। एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन, इन दोनों से अगर मैं t इलिमिनेट कर दूं, दोनों को जोड़ दूं, तो mg प्लस एफ इक्वल टू एम 2a प्लस अल्फा आर, तो यहां से बना 2a प्लस अल्फा आर इज इक्वल टू g प्लस एफ बाय एम, और एफ बाय एम कितना है, g बाय 12। तो दूसरा रिलेशन है हमारा 2a प्लस अल्फा आर, 2a तो a प्लस अल्फा आर बाय 2, a प्लस अल्फा आर बाय 2, 11g बाय 12 तो 11g बाय 24, और ऐसा 13g बाय 24 प्लस था, और ये इसलिए किया कि ये सॉल्व आसानी से हो जाए। तो अब इन दोनों का समेशन जोड़ दें तो 2a की वैल्यू 17g बाय 24, तो a की वैल्यू आ गई 17g बाय 48, ये a। तो उम्मीद है समझ में आया होगा मैं यहां क्या कह रहा हूं, ठीक है, कि अगर फ्रिक्शन इनफ है अच्छी बात है, रोलिंग हो रही है, वर्क एनर्जी थ्योरम लग जाएगी। इनफ नहीं है, अब इनफ नहीं है तो आपको ईमानदारी से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि कंस्ट्रेंट खत्म हो गया है, लेकिन एफ हमें पता है, ठीक। एग्जांपल टू, चलो तो कंस्ट्रेंट उम्मीद है उससे समझ में आ गया होगा। हाँ, अब कोशिश करिए, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इस तरह का, मैं एक्स पे लगाता हूं फोर्स एक्स पे, और म्यू ये एफ है, ये मैंने एक्स पे लगाया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आई है, तो अब इसके लिए बात करते, तो इस पे अगर रोलिंग की कंडीशन है तो ये ए है, ये ए बाय आर है, फ्रिक्शन इस पे आगे पीछे कहीं तो भी लगेगा, ये एफ है, ये एक्स है, तो एक इक्वेशन एफ प्लस एफ इक्वल टू एम है, दूसरी इक्वेशन एफ इंटू आर एक्स माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे तो ए एटसेट्रा सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू ए बाय आर है। अप्रोच वन, कंस्टेंट हम यूज कर चुके हैं। अप्रोच टू, इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें, और वर्क एनर्जी थ्योरम में थोड़ा कॉशियस रहिएगा करते समय, कि हमें वर्क डन, फ्रिक्शन तो वर्क कर नहीं रहा है, सिर्फ ये वर्क कर रहा है, तो इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। अब मैंने इसको एक्स ही ले लिया, एक्स नॉट कर देता हूं, तो अब अगर ये एक्स खिसकेगा, ये एक्स बाय आर रोटेट करेगा, तो ये पॉइंट कितना खिसकेगा, आपको वर्क डन के लिए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और ये एक्स नहीं खिसकेगा, एक्स प्लस ये एक्स नॉट इंटू थीटा, सोचो एक्स प्लस आर थीटा घूम जाएगा, और थीटा कितना है एक्स बाय आर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स प्लस एक्स नॉट इंटू एक्स बाय आर, तो वर्क डन बाय एफ, एफ इंटू कितना, एक्स प्लस एक्स नॉट इंटू एक्स बाय आर, तो एफ इंटू वन प्लस एक्स नॉट बाय आर इंटू एक्स, ये हमारा वर्क डन बाय फोर्स आ गया। अब वर्क डन बाय फोर्स हमें मिल गया, अब वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसकी स्पीड वी है, ये वी बाय आर है, तो एफ इंटू वन प्लस एक्स नॉट बाय आर इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ आई वी बाय आर का होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एफ इंटू वन प्लस एक्स नॉट बाय आर, ये टू से टू वी डी वी बाय डी एक्स कट जाएगा, एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए,
तो देखिए ये इफेक्टिव मास, ये तो शायद समझ में आ रहा था, इफेक्टिव फोर्स उतनी अच्छी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव फोर्स अब एफ नहीं है, क्योंकि एफ दो तरीके के काम कर रहा है, ऐसे समझिए एफ ट्रांसलेशन में भी मदद कर रहा है और रोटेशन में भी एफ वर्क कर रहा है, तो एफ के दो वर्क है, जैसे कि एक फ्रिक्शन के दो वर्क थे, रोटेशन रोकना, ट्रांसलेशन में मदद करना, और दोनों कट गए, वैसे ही एफ के दो वर्क हैं और दोनों जुड़ रहे, इसीलिए एफ इफेक्टिव कुछ और, तो एक तरीके से जुगाड़ की तरह काम कर रहे हैं। तो अप्रोच टू हमारा ये था, तो जैसे क्वेश्चन ये होता, ये एफ आर आर ये डिस्क होती, तो मैं सीधे इसका एक्सीलरेशन एफ प्लस एफ, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टू आर होगा, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स टू एफ अपॉन एम प्लस एम बाय टू, तो फोर एफ बाय थ्री एम, और एक्सीलरेशन फोर एफ बाय थ्री एम है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एफ बाय एम होता, तो जितना एक्स्ट्रा है उतना ही फ्रिक्शन है, ठीक है। हाँ, इसी से समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर मैंने ये r बाय टू पे लगाया होता। अब जरा सोचिए, तो न्यूमरेटर में लिखते f प्लस एफ बाय टू, और डिनोमिनेटर में आता m प्लस एम बाय टू, तो एक्सीलरेशन f बाय एम ही आता, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर ये इससे नीचे आ जाता तो न्यूमरेटर और कम हो जाता, ये f बाय एम से कम आता तो फ्रिक्शन पीछे लगता, ठीक। तो ये हमारा अप्रोच टू था। अप्रोच थ्री, और अप्रोच थ्री हम आईसीआर का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि रोलिंग हो रही है, रोलिंग हो रही है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारा रेस्ट पे है। ध्यान दीजिएगा, रियलिटी यह है कि ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, लेकिन एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, एक्सीलरेशन इसके पास सेंट्रिपिटल है ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर, लेकिन जब आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखोगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे, तो सेंट्रो मास पे सीडो आएगा इस पॉइंट के अबाउट, लेकिन वो सीडो इत्तफाक से उसी से पास हो रहा है, इसीलिए वो गलती होगी नहीं। तो गलती क्या होती है कि बोलने में हम ऐसा कर देते हैं कि इस पॉइंट का एक्सीलरेशन जीरो है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, इसके पॉइंट के पास एक्सीलरेशन है। एक्चुअली हम क्या कहना चाहते हैं कि टेंजेंशियल जीरो है, अगर टेंजेंशियल होता तो टेंजेंशियल इस पे आता, और आता तो उसका स्यूडो आता, मतलब इक्वेशन गलत हो जाती। तो इक्वेशन सही कैसे है, क्योंकि इसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है, सेंट्रिपिटल का असर उसी से पास हो गया, इसीलिए हम ऐसा कर पाए, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आईसीआर है, मतलब ये टेंजेंशियल इसके पास नहीं है। और इससे बड़ा अच्छा और ये बेहतर है, सबसे अच्छा अप्रोच है, क्यों, इसके अबाउट जब हम करते तो अपने आप जो एफ इफेक्टिव आना होता, अल्फा निकालिए, अल्फा की वैल्यू एफ इंटू टू आर बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, और अगर ये डिस्क होती तो एफ इंटू टू आर बाय थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे थे ना, तो वन आई प्लस एम आर स्क्वायर ये बनता, तो फोर एफ बाय थ्री एम आता, और अल्फा अगर ये आया तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन फोर एफ बाय थ्री एम आया, और ये एफ था तो फ्रिक्शन हमारा कितना हो गया एफ बाय थ्री, ठीक है। तो पर्सनली मेरे हिसाब से ये अप्रोच सबसे अच्छा है, अगर फ्रिक्शन यहां इनफ होता है तो, और अगर फ्रिक्शन इनफ नहीं है तो ईमानदारी से सॉल्व करना ही है, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो एक मैं जल्दी से क्वेश्चन यहां दिखाता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां से r बाय टू पे फोर्स लगाया और ये सॉलिड बॉल थी, अब हमें इसका फ्रिक्शन मिनिमम म्यू रिक्वायर्ड पूछा था,
तो हम इसके लिए रोलिंग की कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो हम इसका एक्सीलरेशन लिखते ये अल्फा आता, तो या तो हम इक्वेशन लगाते, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, आईसीआर यूज करेंगे। ये आईसीआर है, तो यहां से डिस्टेंस है 3R/2, ये एफ, तो टॉर्क अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ इंटू 3R/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 mR² 2/5 + 1। अब ये 5 ऊपर गया, 15/14 15/14 F/mR, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन 15F/14 m है। हमने तो F लगाया था, इसका मतलब F/14 की और जरूरत है, ये फ्रिक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन पक्का mg के बराबर, तो नॉर्मल रिएक्शन mg है, फ्रिक्शन F/14 है, तो F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू n, तो म्यू की लिमिट चल गई। ठीक, तो आप ये इक्वेशन डायरेक्टली इसके अबाउट भी लिख सकते थे। अगर इसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन इनफ नहीं होता, मान लीजिए एफ मैंने ये लगाया और एफ की वैल्यू है एम जी, ये हॉलो स्फीयर होता, रोलिंग के लिए सॉल्व करें तो अल्फा की वैल्यू बिना पेन का यूज किए कर सकते थे हम, एफ इंटू 2R एम जी इंटू 2R बाय 1 + 2/3 5/3, तो F इंटू 2 मतलब एम जी इंटू 2R बाय 5/3 mR², तो ये 6/5 g/r मतलब एक्सीलरेशन 6g/5 मतलब फ्रिक्शन mg/5, नॉर्मल रिएक्शन वाकई में mg है, तो म्यू की वैल्यू 1/5, तो 1/5 से बड़ा है तो यही आंसर सही है। लेकिन इसी क्वेश्चन में म्यू दिया होता मान लो 1/10, तो अब ये रोलिंग की कंडीशन गलत हो गई। लेकिन रोलिंग की कंडीशन गलत हो गई तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन खुल गया कि फ्रिक्शन हमारे पास होगा और फ्रिक्शन mg/10 है। लेकिन अब आपका काम इससे नहीं चलेगा कि एफ दाएं मान लो या बाएं मान लो, कहीं भी अपने आप प्लस माइनस हो जाएगा। ये काम चलता है जब स्टैटिक फ्रिक्शन हो, काइनेटिक हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए फ्रिक्शन किधर है। तो फ्रिक्शन किधर है वो पहले से पता करने का बड़ा आसान सा तरीका। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इसके पास एक्सीलरेशन जी का होता और अल्फा इसके पास एम जी इंटू आर सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ये क्या है हमारा हॉलो 2/3, तो 3g/2r होगा। अब इस पॉइंट की टेंडेंसी देखो, इस पॉइंट पे एक इस तरफ एक्सीलरेशन है कितना g, एक इस तरफ है अल्फा r, और अल्फा r कितना है 3g/2, तो ये पॉइंट नेट पीछे जा रहा है, और नेट पीछे जा रहा है मतलब फ्रिक्शन इस पे आ गया है। हमेशा ही यही तरीका यूज करते हैं हम, फ्रिक्शन जीरो है। अब अप्रोच देखिए, तो कोई बात नहीं, अब हमें पता चल गया कि फ्रिक्शन आगे है और mg/10 है, ये a है ये अल्फा है, तो a की वैल्यू सीधे mg + mg/10 ma, तो a की वैल्यू आ गई g 11g/10, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अब हम लिखेंगे, अब इसके अबाउट नहीं लिख सकते, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg into r mg/10 into r इज इक्वल टू 2/3 mR² अल्फा, तो ये 9/10 27/20 ये आ गया हमारा अल्फा, और कोई कंस्टेंट रिलेशन नहीं। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं रोलिंग के, करिएगा। क्वेश्चन वन, ये मास m
इससे एक और मास लटका है, ये m, एक्सीलरेशन ऑफ ईच। क्वेश्चन टू, एफ इधर आर बाय टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/4 एम आर स्क्वायर। ये एम जी, ये मैं मान लेता हूं एम जी बाय टू, ठीक है, मिनिमम म्यू रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग। क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन थ्री में कौन सा दे दिया, ये वाला और रोटेशन। सॉलिड सिलेंडर मास m, इनिशियल एक्सीलरेशन मिनिमम म्यू नीडेड, एक मिनट, इसके बाद मैंने क्वेश्चन दिए थे नहीं दिए थे क्या? क्वेश्चन ही दिए थे वो, नहीं चाहिए पड़ेगा ना इसकी रेडियस की जरूरत पड़ेगी ना इसकी, क्योंकि हम जुगाड़ से सॉल्व कर लेंगे, एक बार म्यू जीरो है और एक बार म्यू एनफ है, वो जुगाड़ से सॉल्व हो जाएगा, तो हमें जरूरत किसी की नहीं पड़ेगी, या कट जाएगा स्मॉल आर कैपिटल आर मान लेना कट जाएगा। तो ट्राई करो, जब हो जाए तो वापस से वीडियो पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन, या पहले जगह खाली कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना था, जब म्यू जीरो है तो ये चूंकि टेंशन सेंटर से पास हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास हो रहा है, एमजी सेंटर से पास हो रहा है, फ्रिक्शन है नहीं तो ये घूमेगा ही नहीं, घूमेगा ही नहीं इसका मतलब ये सीधे एक सिंगल ऐसे ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है, ये पुली तो रोटेट करेगी, तो आप डायरेक्टली जी वाई टू नहीं लिख सकते, आपको इसका इफेक्ट तो लेना पड़ेगा। तो वैसे समझ में आ रहा है, एम जी बाय एम प्लस इसका इफेक्ट एम बाय टू, इसका इफेक्ट एम, ये हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा 2g/5, ठीक है, पहले केस में। दूसरे केस में जब हम सॉल्व करते तो इसका पहले पार्ट का आंसर 2g/5, दूसरे केस में जब हम सॉल्व करते तो ये रोल करना चालू कर देता, रोल करता तो इसके पास ये भी आता, तो ये v/r आता, और इसके पास
ये v by small r, इसके पास v, फ्रिक्शन वर्क करेगा नहीं, तो जिसका v उसका x माना, तो mgx फ्रिक्शन वर्क कर नहीं रहा है, इक्वल टू हाफ mv square. जब हम इसका लिखते तो हाफ हाफ m छोटा r square इंटू v by छोटा r का होल स्क्वायर, कट गया छोटा r, प्लस इसका हाफ एम वी स्क्वायर, और इसमें भी हाफ हाफ एम बाय आर स्क्वायर वी बाय आर का होल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ऊपर. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते तो वी स्क्वायर की वजह से जो टू बनता वो सभी के आगे के ये टू काट देता, ये बनता एम जी, तो इफेक्टिव फोर्स एम जी, इफेक्टिव मास एम, इसका एम बाय टू आर कट गया, इसका एम और इसका m by 2 into acceleration a, तो a की वैल्यू आ गई g by 3. पहले acceleration 2g by 5 आया था, क्योंकि फोर्स उतना ही था, इफेक्टिव मास में इसका रोल और एड हो गया, इसीलिए acceleration कम आया, तो ये आया 2g by 6 g by 3. तो यहां हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सबको v के टर्म में लिख पा रहे हैं, और फ्रिक्शन नहीं था तो बहुत अच्छी बात है, रोटेट ही नहीं कर रहा था. लेकिन अगर ये थ्रेड कहीं और बंधा होता तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इसका जो ओमेगा लिखते वो कुछ और आता, और कंस्टेंट रिलेशन है नहीं, तो सीधे लिखना मुश्किल हो जाता, तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ता जैसे हमने पिछले इलस्ट्रेशन में करा था. चलो एनीवे, पहला पार्ट ये हो गया, और ये उम्मीद है सबका सही होगा, और ये उम्मीद है कि शायद सबका गलत होगा. दिख बहुत आसान रहे क्वेश्चन, तो इसमें हम वेरिएबल क्या मानते कि इसका ए है, इसका अल्फा है, और चूंकि इस पॉइंट के अबाउट रोलिंग लगाएं तो ये वाला पॉइंट रेस पे, तो अल्फा की वैल्यू ए बाय आर, और चूंकि ये वाला पॉइंट रेस पे है, इसका ए है, तो इसका टू ए. यहां टेंशन बदलेगा क्योंकि बीच में मास आ गया, T1, T2. इसका फ्री बॉडी डायग्राम mg माइनस T1 इक्वल टू m इंटू 2a, mg माइनस T1 m इंटू 2a. अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम mg प्लस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m. लेकिन हमें रोटेशन की इक्वेशन लिखनी है इसकी, तो T2r T1r इज इक्वल टू डिस्क माना हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा ए बाय आर. तो इसको लिखा T2 प्लस T1 इक्वल टू हाफ एम ए. अब ये इक्वेशन ठीक है, सबको ऐड करने पे कट गया नहीं कटा, T2 कट गया, T1 इसको और इसको डबल करके ऐड करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट ऐड कर दें, T2 कट गया, लेकिन 2T1 पैदा हो गया, इसको डबल, तो इसमें 1 का, इसमें 1 का, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो 2mg और mg 3mg, इसमें डबल किया तो कितना बना 4m, ये कितना बना m, ये कितना बना m बाय 2. तो ये बना e, 10 और 1 11 एक्सीलरेशन आ गया 6g/11. ठीक है, अभी ये गड़बड़ नहीं दिखेगा, जब आप T1 T2 निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये टेंशन नेगेटिव आएगी, और जरा सोचिए 2a की वैल्यू कितनी आएगी, a 6g/11 है, तो 2a 12g/11 है, इसका एक्सीलरेशन g से बड़ा हो गया, और इसका एक्सीलेशन जी से बड़ा हो गया, मतलब ये टेंशन नेगेटिव हो गई, मतलब पुश तो कर नहीं सकती, मतलब क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, नहीं सॉल्यूशन हमारा गड़बड़ है, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, मतलब हमने जो सॉल्व किया वो गलत हो गया, क्योंकि टेंशन कंस्ट्रेंट क्रिएट नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये पॉइंट ज्यादा तेजी से गिर रहा है, तो थ्रेड कंस्ट्रेंट क्रिएट नहीं कर पाया. कोई बात नहीं, जो नेगेटिव आया उसको जीरो मान लो, और अगर ये जीरो आया तो ये तो स्लैक हो गया, ये स्लैक हो गया मतलब ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो गए,
तो ऊपर वाले क्वेश्चन को नीचे वाले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, तो ये तो जी से गिरेगा। अब ये किससे गिरेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये भी बाय आर, ठीक है, या कौन दिमाग लगाए, ये ए ए बाय आर, क्यों ना एमजी का इसी के अबाउट टॉर्क ले लू, तो एमजी इंटू आर इज इक्वल टू डिस्क है हाफ एम आर स्क्वायर, अल्फा कितना है ए बाय आर, ए की वैल्यू 2g जी बाय थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर, टू जी बाय थ्री, ठीक। मतलब फाइनल आंसर सही क्या है, ये 2g जी बाय थ्री से गिरेगा, 2g जी बाय थ्री आर से रोटेट करेगा, और ये वाला ब्लॉक g से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो कई बार ये देखना जरूरी हो जाता है कि टेंशन वो कंस्ट्रेंट क्रिएट कर भी पा रहा है कि नहीं, कहीं वो नेगेटिव तो नहीं हो गया, जैसे F और N में F म्यू N से कंपेयर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में रोलिंग हो रही है, तो वंस अगेन हम इस पॉइंट के अबाउट सीधे टॉर्क कर दें तो ये अल्फा मिल जाएगा, तो एम जी इंटू टू आर इस तरफ है, इसकी टेंडेंसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरफ है, लेकिन हम इस पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं, तो वापस माइनस एम जी बाय टू आर बाय टू, आर माइनस आर बाय टू, आर बाय टू इज इक्वल टू, कुछ नहीं दिया मतलब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 3 बाय 4 एम आर स्क्वायर में एम आर स्क्वायर और जुड़ेगा, तो 7 बाय 4 एम आर स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 3 बाय 4 3 जी बाय 7, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू ये आई तो एक्सीलरेशन अल्फा आर है 3g बाय 7, मींस इस बॉडी पे एक mg ये लगा, mg बाय 2 ये लगा, एक्सीलरेशन आया 3g बाय 2, 3g बाय 7, इसके हिसाब से g बाय 2 आना चाहिए, मतलब 3.5g बाय 7 आना चाहिए, तो आधा g बाय 7 एक्स्ट्रा है, सॉरी कम है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू पीछे mg बाय 40, या इक्वेशन लिख लेना दिस माइनस दिस इक्वल टू, ठीक है। तो एफ की वैल्यू एम जी बाय 40, नॉर्मल रिएक्शन अब भी एम जी है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई और नहीं, तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय 40, ठीक। लास्ट क्या है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में इनिशियल एक्सीलरेशन इसका और इसका ए इसका अल्फा ये अभी भी सही है, और रोलिंग का कंस्ट्रेंट ए माइनस अल्फा आर इक्वल टू जीरो ये अभी भी सही है। अब एम जी इधर है, तो अगर ये फ्रिक्शन होता ही नहीं, फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो ये यहीं रोटेट करना चालू कर देता, हॉरिजॉन्टल में ट्रांसलेट तो कर नहीं सकता, अपनी जगह पर रोटेट करना चालू कर देता, रोटेट करना चालू कर देता, एक्सीलरेशन आता नहीं, तो इस पॉइंट की टेंडेंसी पीछे मतलब फ्रिक्शन आगे, मतलब ये यहां फोर्स लगाने पे आगे भी जाएगा। चलो तो अब इक्वेशन लिखें, ए और अल्फा आर बराबर है, अभी भी आईसीआर है, आप इस पॉइंट के अबाउट सीधे लिख सकते थे, और नहीं लिखना तो एफ इक्वल टू एम ए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी रोटेशन लिख सकते हैं, इसके अबाउट भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते तो एफ भी लिखना पड़ता, तो एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर बाय टू माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल टू सॉलिड सिलेंडर सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा है तो हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा, या आप इसकी जगह इस पॉइंट के अबाउट लिखते तो एम जी इंटू आर बाय टू चूंकि आईसीआर है हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फा, ये इक्वेशन लिखो या ये लिखो एक ही बात है, सोचिए एफ की वैल्यू एम ए यहां छापी है तो एम ए आर बनता, ये इधर जाता तो 3/2 एम ए आर बनता, ये भी 3/2 लिखा है तो इक्वेशन वही है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई जी बाय 3 और एक्सीलरेशन जी बाय 3 आया तो फ्रिक्शन ही एम जी बाय 3 है, एक्सीलरेशन जी बाय 3 आया मतलब फ्रिक्शन ही एम जी बाय 3 है क्योंकि और तो कोई देने वाला है नहीं,
लेकिन ध्यान दीजिए नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं है इस बार, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 2mg, mg और एक खुद का mg, तो म्यू रिक्वायर्ड 1/3 ना होके 1/6 है। तो ये फील भी कर सकते हैं कि आप एक बॉल को अगर यहां पुश करोगे, यहां पुश करोगे तो बॉल रोल कर जाएगी, और रोल करेगी तो आगे चली जाएगी, फ्रिक्शन नहीं होता तो अपनी जगह घूमती, और फ्रिक्शन होगा तो ये रोल करके आगे चली जाएगी। ठीक, तो आज के लिए फ्रिक्शन का ये पार्ट वन, सॉरी रोटेशन का पार्ट वन जो हमने डिस्कस किया, मतलब जहां इक्विलिब्रियम और रोलिंग न्यूटन्स लॉ। पार्ट टू में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम रोलिंग में और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये रोटेशन पार्ट टू में आएगा। तो इसकी एक शीट रहेगी, तो उसकी शीट आपकी कंडक्ट एग्जाम वाले उस पर डली होगी, 30-35 क्वेश्चन की कोई एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट आप लगा लेंगे तो आपका ये कंप्लीट रिकॉल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये वीडियो अगले दिन आएगा, मतलब कल आएगा सेकंड पार्ट का, हाँ रोटेशन टू वाला अगले दिन आएगा।